बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का डेरिवेटिव, सिंपल अगर डेरिवेटिव होता तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाना था, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है देखें कि क्या होगा। वाई इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर 1/2। अप्लाई द चेन फार्मूला। चेन रूल ये होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें, किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो कैसे करते हैं, फर्स्ट करें वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स 4^n है, उसकी पावर पहले फंक्शन की पावर में से एक कम करें और इनटू डेरिवेटिव वो फंक्शन आ जाता है। ये है इस फंक्शन का डेरिवेटिव। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो अगर उसकी पावर हो तो पावर पहले पावर में से कम, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन गिवन फंक्शन। देखें यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होगा स्केयर और 1/2 होता है किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर पावर पहले पावर में से एक कम डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव फंक्शन एक्स स्केयर ही आएगा। इसका फिर डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब इसके का साथ कर ले डी ऑफ डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हाफ, 1 में से हाफ निकाले तो -1 है, -1/2 -1 -1/2 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नेट एक्स का डेरिवेटिव 1 ही हो जाएगा। तो डेरिवेटिव तो आता ही होगा, सिंपली क्या होता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और पावर पहले पावर में से कम किया गिवन फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव, और ये 2x आ गया। नेक्स्ट एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हो तो 1 होना था, इंटू 1 कर लें या फिर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चले वन डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, ये 2 से कैंसिल ही कर दें, 2 नेक्स्ट नहीं आएगा, 2 से कैंसिल, एक्स बचा इंटू एक्स स्क्वायर -1/2 बचा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर अगर एक्स स्क्वायर इंटू ये नेगेटिव पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और एक्स ओवर इसको अगेन लिख सकते हैं कि अभी इसको लिखा था एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 लिख सकते हैं, इसको अगेन फिर मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हेंस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स। दैट्स मीन अगर वाई का डेरिवेटिव लें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो कैसे आता है, एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स आ जाता है। इसका डेरिवेटिव ये है, देख सकते हैं क्या प्रोसीजर है, सिंपल कुछ भी नहीं, डेरिवेटिव उसको पावर्स में लेके उसका डेरिवेटिव अप्लाई किया, पावर पहले पावर में से कम किया दैट फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड ये नहीं है एक्स इंटू एक्स के -1/2 नीचे जाके फिर अगेन वो फंक्शन बन गया एक्स ओवर मोड ऑफ एक्स आ गया। ये है इसका आंसर। थैंक यू सो मच, की वॉचिंग, लाइक ज़रूर करें, कुछ सपोर्ट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।